हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपसे दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना की थी। यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ परिवार था जो अफगान मूल से थे। लोधी वंश के शासक नंबर एक थे बहलोल मोदी लोधी, नंबर दो सिकंदर लोधी और नंबर तीन इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक राज किया था। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की और 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने बहलोल लोधी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से त्याग कर दिया था। बहलोल लोधी अफगान मूल का था। वह एक पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल था जो वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। उसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की थी। उसकी मृत्यु कैसे हुई? बहलोल लोधी की 1479 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली की सल्तनत पर बैठा था। सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी का शासनकाल रहा। 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी हो गए और लोधी राजवंश के दूसरे शासक बने। उसके बचपन का नाम निजाम खां था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया, जो बाद में सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 1479 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का दूसरा पुत्र था और बारबक शाह बहलोल लोधी का सबसे बड़ा पुत्र था जो जौनपुर का वायसराय था। सिकंदर लोधी के प्रमुख कार्य, उसने बंगाल बिहार चंदेरी अवध व बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। भूमि मापन के लिए परमाणु पैमाना गजे सिकंदर लोधी का प्रचलन किया। उसने 1503 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया गया था और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। मुसलमानों के ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पैर पीरों और एवं संतों के मजार पर जाने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। उसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मानसिंह ने हर बार उसे हरा दिया था। सिकंदर लोधी की मृत्यु, सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी राजा बना था। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का सबसे छोटा बेटा था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह लोधी राजवंश के अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी था। शासनकाल में उसने क्या कार्य किए? वह एक साहसी राजा था। उसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए। जौनपुर और अवध में विद्रोह का नेतृत्व दरिया खान ने किया। दौलत खां ने पंजाब में विद्रोह किया। खतौली की लड़ाई 1518 ईस्वी में राणा सांगा के हाथों पराजित होना पड़ा था। उसके जमींदार व चाचा आलम खां अब्दुल भाग गया और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ
और इसमें लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु। भारत बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को पराजित कर उसे मार डाला और आगरा तक तथा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिसने लगभग 500 सालों तक भारत पर राज किया। इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि लोदी वंश क्या था, यह कैसे उत्पन्न हुआ, इसके राजा क्या थे और इसके राजाओं के शासनकाल में क्या क्या कार्य किए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।